हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीआरओ रिक्वायरमेंट 2021 के एमएसडब्ल्यू ड्राइवर इंजीनियरिंग जनरल नॉलेज का। पार्ट 10 पढ़ेंगे, पार्ट 9 हमने कंप्लीट कर लिए, आप प्लेलिस्ट में जाके वीडियो देख सकते हैं। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, हवाई जहाज की बॉडी बनाने में मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है। इसमें पहला ऑप्शन है मैग्नालियम, दूसरा ऑप्शन है ड्यूरालियम, तीसरा ऑप्शन है जर्मन सिल्वर, चौथा ऑप्शन है रोल्ड गोल्ड। इसका सही आंसर है ऑप्शन 2। अगला प्रश्न है हमारा, सिक्के बनाने की धातु में तांबे के साथ अन्य धातु को मिलाया जाता है। इसमें पहला ऑप्शन है टिन, दूसरा ऑप्शन है निकिल, तीसरा ऑप्शन है उपरोक्त दोनों, चौथा ऑप्शन है उक्त दोनों ही नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन 3। अगला प्रश्न है हमारा, कंप्यूटर चिप बनाने में काम में लिया जाता है। इसका पहला ऑप्शन है सिलिकॉन, दूसरा ऑप्शन है फास्फोरस, तीसरा ऑप्शन है टंगस्टन, चौथा ऑप्शन है प्लास्टिक सल्फर। इसका सही आंसर है ऑप्शन 1, सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, कपड़ों से वसा का दाग हटाने में प्रयोग करते हैं। इसका पहला ऑप्शन है अमोनिया, दूसरा ऑप्शन है गंधक, तीसरा ऑप्शन है नाइट्रिक अम्ल, चौथा ऑप्शन है नमक का अम्ल। इसका सही आंसर है ऑप्शन 1, अमोनिया का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, बर्तनों की कलाई के लिए रासायनिक पदार्थ का उपयोग होता है। इसमें पहला ऑप्शन है अमोनिया, दूसरा ऑप्शन है अमोनियम क्लोराइड, तीसरा ऑप्शन है सोडियम क्लोराइड, चौथा ऑप्शन है सिलिका। इसका सही आंसर है ऑप्शन 2, अमोनियम क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, कार्बन युक्त पदार्थ है। पहला ऑप्शन है हीरा, दूसरा ऑप्शन है ग्रेफाइट, तीसरा ऑप्शन है फुलरीन, चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर है ऑप्शन 4, सभी है वो कार्बन युक्त पदार्थ है। अगला प्रश्न है हमारा, दोस्तों आपको कमेंट करके बताना है कि जो इंजन से संबंधित MCQ की सीरीज लानी है या नहीं, उसके बारे में कमेंट जरूर करें दोस्तों, उसी के आधार पर MCQ को तैयार किया जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, किस दक्षिणी चालुक्य शासक ने हर्ष को नर्मदा नदी तट पर पराजित किया था। इसका पहला ऑप्शन है हस्तिवर्मन, दूसरा ऑप्शन है पुलकेशिन प्रथम, तीसरा ऑप्शन है पुलकेशिन द्वितीय, चौथा ऑप्शन है उक्त कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन 3, पुलकेशिन द्वितीय। अगला प्रश्न है हमारा, कन्नौज की बोध सभा में किस मत के सिद्धांत पर बड़ी ही सूक्ष्मता के साथ प्रचार किया गया। इसका पहला ऑप्शन है हिनहिनाय हिनयान, दूसरा ऑप्शन है वज्रयान, तीसरा ऑप्शन है महायान, चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर है ऑप्शन 3। अगला प्रश्न है हमारा, 0 डिग्री देशांतर रेखा कहलाती है। इसका पहला ऑप्शन है भूमध्य रेखा, दूसरा ऑप्शन है ग्रीनविच रेखा, तीसरा ऑप्शन है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, चौथा ऑप्शन है विषुवत वृत्त। इसका सही आंसर है ऑप्शन 2, ग्रीनविच रेखा है वो 0 डिग्री देशांतर रेखा को कहा जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, पृथ्वी की गति न्यून वेग से कितने प्रकार की होती है। इसका पहला ऑप्शन है घूर्णन, दूसरा ऑप्शन है परिक्रमण, तीसरा ऑप्शन है उपरोक्त दो प्रकार की, चौथा ऑप्शन है उपरोक्त कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन 3। अगला प्रश्न है हमारा, पृथ्वी की सूर्य के चारों ओर की गति को कहा जाता है। पहला ऑप्शन है घूर्णन, दूसरा ऑप्शन है परिक्रमण, तीसरा ऑप्शन है झुकाव, चौथा ऑप्शन है उपरोक्त कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन 2। अगला प्रश्न है हमारा, पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना क्या कहलाता है। पहला ऑप्शन है झुकाव, दूसरा ऑप्शन है परिक्रमण, तीसरा ऑप्शन है घूर्णन, चौथा ऑप्शन है उपरोक्त कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन 3। अगला प्रश्न है हमारा, ओजोन परत के ह्रास का प्रमुख कारण है। इसमें पहला ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा ऑप्शन है कार्बन मोनोऑक्साइड, तीसरा ऑप्शन है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, चौथा ऑप्शन है मीथेन। इसका सही आंसर है ऑप्शन 3, ओजोन परत के ह्रास के लिए क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस है वो जिम्मेदार है। अगला प्रश्न है हमारा, कृषि वानिकी का उद्देश्य है इसका खेतों में करना। पहला ऑप्शन है कृषि, दूसरा ऑप्शन है पशुपालन, तीसरा ऑप्शन है
वृक्षारोपण चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी, इसका सही आंसर है ऑप्शन चार। अगला प्रश्न है हमारा, जलीय जीव में निम्न में से है, पहला ऑप्शन है कमल, दूसरा ऑप्शन है मगरमच्छ, तीसरा ऑप्शन है मछली, चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी, इसका सही आंसर है ऑप्शन चार। अगला प्रश्न है हमारा, मरुस्थल में पाए जाने वाले जंतु निम्न में से है, इसका पहला ऑप्शन है ऊंट, दूसरा ऑप्शन है मोलास, तीसरा ऑप्शन है फ्राइनोसोमा, चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी, इसका सही आंसर है ऑप्शन चार। अगला प्रश्न है, ग्वारपाटा किस आवास में पाया जाता है, पहला ऑप्शन है सम आवास, दूसरा ऑप्शन है जलीय आवास, तीसरा ऑप्शन है मरु आवास, चौथा ऑप्शन है लवणीय आवास, इसका सही आंसर है ऑप्शन तीन। अगला प्रश्न है हमारा, लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी को प्रारंभ किया था, पहला ऑप्शन है एनी बिसेर ने, दूसरा ऑप्शन है दादाभाई नौरोजी, तीसरा ऑप्शन है श्यामजी कृष्ण वर्मा, चौथा ऑप्शन है मैडम कामा, इसका सही आंसर है ऑप्शन तीन, श्यामजी कृष्ण वर्मा। अगला प्रश्न है, लोकमान्य के नाम से प्रसिद्ध थे, पहला ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, दूसरा ऑप्शन है महात्मा गांधी, तीसरा ऑप्शन है सरदार पटेल, चौथा ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक, इसका सही आंसर है ऑप्शन चार। अगला प्रश्न है, साइमन कमीशन विरोधी प्रदर्शन के दौरान लाहौर में पुलिस लाठी चार्ज में घायल हुए नेता थे, पहला ऑप्शन है शहीद भगत सिंह, दूसरा ऑप्शन है डॉक्टर सत्यपाल, तीसरा ऑप्शन है लाला राजपत राय, चौथा ऑप्शन है डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू, इसका सही आंसर है ऑप्शन तीन, लाला लाजपत राय। अगला प्रश्न है हमारा, भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान निम्नलिखित घटनाओं का सही क्रम कालानुक्रम कौन सा है, इसमें पहला ऑप्शन है स्वराज पार्टी का गठन, चोरी चोरा कांड, साइमन कमीशन, गांधी इरविन समझौता, अगला सेकंड ऑप्शन है हमारा स्वराज पार्टी का गठन, गांधी इरविन समझौता, साइमन कमीशन, चोरी चोरा कांड, तीसरा ऑप्शन है गांधी इरविन समझौता, साइमन कमीशन, चोरी चोरा कांड, स्वराज पार्टी का गठन, अगला ऑप्शन है हमारा चोरी चोरा कांड, साइमन कमीशन, स्वराज पार्टी का गठन, गांधी इरविन समझौता, इसका सही आंसर है ऑप्शन एक है। अगला प्रश्न है हमारा, किसने लंदन में आयोजित तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था, पहला ऑप्शन है दादाभाई नौरोजी, दूसरा ऑप्शन है महात्मा गांधी, तीसरा ऑप्शन है भीमराव अम्बेडकर, चौथा ऑप्शन है मोतीलाल नेहरू, इसका सही आंसर है ऑप्शन तीन, भीमराव अम्बेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था। अगला प्रश्न है, एशियन विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है, पहला ऑप्शन है ब्रुसेल्स, दूसरा ऑप्शन है मनीला, तीसरा ऑप्शन है वाशिंगटन, चौथा ऑप्शन है पोर्ट लुइस, इसका सही आंसर है ऑप्शन दो, मनीला में स्थित है। अगला प्रश्न है हमारा, प्राय मोटर ड्राइवर की सीट के पास लगा रिव्यू दर्पण होता है, इसका पहला ऑप्शन है समतल दर्पण, दूसरा है उत्तल दर्पण, तीसरा है अवतल दर्पण, चौथा है उक्त कोई नहीं, इसका सही आंसर है ऑप्शन दो, उत्तल दर्पण लगा होता है। अगला प्रश्न है हमारा, अंतरिक्ष यात्रियों को पृथ्वी के वायुमंडल के बाहर पहुंचने पर आकाश दिखाई किस प्रकार का देता है, पहला ऑप्शन है इसमें सफ़ेद दिखाई पड़ता है, लाल दिखाई पड़ता है, नीला दिखलाई पड़ता है, काला दिखलाई पड़ता है, इसका सही आंसर है ऑप्शन चार, काला दिखाई देता है अंतरिक्ष से। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तल दर्पण द्वारा किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब, पहला ऑप्शन है वास्तविक तथा वस्तु से बड़ा होता है, दूसरा ऑप्शन है आभासी तथा वस्तु के बराबर होता है, तीसरा ऑप्शन है आभासी तथा वस्तु से बड़ा होता है, चौथा ऑप्शन है आभासी तथा वस्तु से छोटा होता है, इसका सही आंसर है ऑप्शन चार। अगला प्रश्न है हमारा, प्रकाश की एक किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तथा दूसरे माध्यम में जाने पर अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, इस घटना को कहते हैं, इसका पहला ऑप्शन है प्रकाश का विवर्तन, दूसरा ऑप्शन है प्रकाश का अपवर्तन, तीसरा ऑप्शन है प्रकाश का ध्रुवण, चौथा ऑप्शन है प्रकाश का परावर्तन, इसका सही आंसर है ऑप्शन दो, प्रकाश का अपवर्तन। अगला प्रश्न है हमारा, सूर्योदय अथवा सूर्यास्त के समय क्षितिज पर आकाश लाल रंग का दिखलाई पड़ता है, इसका कारण है, पहला ऑप्शन है
प्रकाश का अपवर्तन, दूसरा है प्रकाश का प्रकीर्णन, तीसरा है प्रकाश का विक्षेपण, चौथा है प्रकाश का परावर्तन। इसका सही आंसर है ऑप्शन दो, प्रकाश का प्रकीर्णन। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय संसद में शामिल है, इसमें पहला ऑप्शन है राज्यसभा लोकसभा, दूसरा ऑप्शन है लोकसभा, तीसरा ऑप्शन है राष्ट्रपति, चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर है ऑप्शन चार। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ? पहला ऑप्शन है 1950, दूसरा ऑप्शन है 1951, तीसरा ऑप्शन है 1952, चौथा ऑप्शन है 1960। इसका सही आंसर है ऑप्शन तीन। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? पहला ऑप्शन है राष्ट्रपति, दूसरा ऑप्शन है प्रधानमंत्री, तीसरा ऑप्शन है वित्त मंत्री, चौथा ऑप्शन है राज्यपाल। इसका सही आंसर है ऑप्शन दो, प्रधानमंत्री होता है। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 370 का संबंध किस राज्य से है? पहला ऑप्शन है जम्मू कश्मीर, दूसरा ऑप्शन है पंजाब, तीसरा ऑप्शन है मिजोरम, चौथा ऑप्शन है आसाम। इसका सही आंसर है ऑप्शन एक, जम्मू कश्मीर से संबंधित था 370, लेकिन अब हटा दिया गया दोस्तों। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 356 का संबंध किससे है? पहला ऑप्शन है संविधान संशोधन, दूसरा ऑप्शन है वित्तीय आपातकाल, तीसरा ऑप्शन है राज्यों में राष्ट्रपति शासन, चौथा ऑप्शन है धन विधेयक। इसका सही आंसर है राज्यों में राष्ट्रपति शासन। अगला प्रश्न है हमारा, सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? पहला ऑप्शन है अटलांटिक महासागर, दूसरा ऑप्शन है प्रशांत महासागर, तीसरा ऑप्शन है हिंद महासागर, चौथा ऑप्शन है आर्कटिक महासागर। इसका सही आंसर है ऑप्शन दो, सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी ठंडी धारा नहीं है? पहला ऑप्शन है पेरू, दूसरा ऑप्शन है लेब्राडोर, तीसरा ऑप्शन है ओकोटस, चौथा है गल्फ स्ट्रीम। इसका सही आंसर है ऑप्शन चार, गल्फ स्ट्रीम वो जो गर्म जलधारा है, ठंडी नहीं है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन सी गर्म जलधारा नहीं है? पहला ऑप्शन है गल्फ स्ट्रीम, दूसरा है गिनी धारा, तीसरा है क्यूरोसिवा, चौथा है फोकलैंड। इसका सही आंसर है ऑप्शन चार। अगला प्रश्न है हमारा, सबसे छोटा व उथला महासागर है? पहला ऑप्शन है आर्कटिक महासागर, दूसरा है हमारा हिंद महासागर, तीसरा है प्रशांत महासागर, चौथा है अटलांटिक महासागर। इसका सही आंसर है ऑप्शन एक, आर्कटिक महासागर। अगला प्रश्न है हमारा, सबसे बड़ी व लंबी झील कौन सी है? पहला ऑप्शन है विक्टोरिया, दूसरा ऑप्शन है कैस्पियन, तीसरा ऑप्शन है लेक डालोगा, तीसरा ऑप्शन है मिशिगन। इसका सही आंसर है ऑप्शन दो। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में नवीनीकरणीय ऊर्जा स्रोतों में सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है? पहला ऑप्शन है सौर ऊर्जा, दूसरा ऑप्शन है पवन ऊर्जा, तीसरा ऑप्शन है बायोमास ऊर्जा, चौथा ऑप्शन है लघुपन बिजली। इसका सही आंसर है पवन ऊर्जा। अगला प्रश्न है हमारा, विश्व की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थापित की गई? पहला ऑप्शन है अमेरिका, दूसरा ऑप्शन है जापान, तीसरा ऑप्शन है चीन, चौथा ऑप्शन है वियतनाम। इसका सही आंसर है चीन। अगला प्रश्न है हमारा, जेतपुर महाराष्ट्र में प्रस्तावित परमाणु ऊर्जा परियोजना कितने मेगावाट की है? पहला ऑप्शन है 8,900 मेगावाट, दूसरा ऑप्शन है 9,900 मेगावाट, तीसरा ऑप्शन है 11,000 मेगावाट, चौथा ऑप्शन है 11,500 मेगावाट। इसका सही आंसर है ऑप्शन दो। अगला प्रश्न में, रेशम के कीड़े पाले जाते हैं? पहला ऑप्शन है शहतूत के पेड़ पर, दूसरा ऑप्शन है अर्जुन के पेड़ पर, तीसरा ऑप्शन है अशोक के पेड़ पर, चौथा ऑप्शन है साल के वृक्ष पर। इसका सही आंसर है ऑप्शन एक, शहतूत के पेड़ पर रेशम के कीड़े पाले जाते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, औद्योगिक विकास दर बढ़ाने के लिए निम्नलिखित उपाय करने चाहिए? पहला ऑप्शन है आधुनिक तकनीक का प्रयोग, दूसरा है प्राकृतिक साधनों का मितव्य उपयोग, तीसरा है उत्पादन क्षमता का उपयोग, चौथा है उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर है ऑप्शन चार। अगला प्रश्न, आज के हमारे प्रश्न कंप्लीट हुए, नेक्स्ट वीडियो में और प्रश्नों की चर्चा करेंगे, तब तक के लिए हमारे बने रहिए हमारे साथ। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करें जिससे आने वाली नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके, और इस वीडियो की PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल में जुड़ सकते हैं जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।